हेलो स्टूडेंट, हम आज पढ़ेंगे क्लास इलेवेंथ की फर्स्ट बुक जो कि चैप्टर वन जो कि संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, क्योंकि ये इलेवेंथ क्लास की बुक है, चैप्टर फर्स्ट। आगे हम बात करेंगे कि संविधान है क्या। संविधान की अगर हम बात करें कि ये किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। ये जो संविधान है, कहने का मतलब ये है कि जो संविधान है ये बनाया जाता है उसी देश के नागरिकों द्वारा, जो कि एक नियम और कानूनों का संग्रह होता है, जो किसके द्वारा उस देश की सरकार को संप्रभुता होती है कि वो जो भी नियमों व कानूनों का निर्माण करती है उनका जनता स्वयं ही पालन करती है। आगे हम बात करें इस संविधान है वो कितने प्रकार के हैं, तो संविधान को देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित संविधान। अगर हम लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान वो संविधान होता है जिसका निर्माण निश्चित रूप से एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं लिखित संविधान। अगर देखा जाए कि किन देशों में ये लिखित संविधान पाया जाता है, तो भारत, अमेरिका और जापान में लिखित संविधान देखने को हमें मिलता है। अलिखित संविधान की अगर हम बात करें तो अलिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान निर्मात्री सभा ने नहीं किया, परंतु वो परंपराओं व समय समय पर पारित होने वाले कानूनों और निर्णय द्वारा होता है। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में देखते हैं कि वहाँ का जो महाराजा है वो राजा है, वही सर्वोच्च होता है वहाँ पर। अगर बात करें कि अलिखित संविधान किन किन देशों में हमें देखने को मिलता है, तो ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और इसराइल में हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे इस संविधान के कार्य क्या है। संविधान के अगर हम कार्यों की बात करें तो संविधान है वो किसी भी राज्य की सरकार के जो तीन प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी स्थापना करता है तथा इन्हें अधिकार देता है कि इनके जो कार्य क्षेत्र हैं वो क्या क्या होंगे। आगे हम देखते हैं कि संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है, साथ ही साथ उनके कर्तव्यों की सीमा भी तय करता है कि विभिन्न इन तीनों के बीच में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों प्रदान करता है, और ये सीमा भी लगाता है कि आप कहाँ तक इनकी शक्तियाँ हैं वो कहाँ तक निर्धारित होती हैं। आगे हम बात करें कि संविधान है वो सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनिमय करता है। आगे हम बात करें कि संविधान को जनता के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का भी काम करता है, ताकि देश में अराजकता की स्थिति ना हो और कोई भी सरकार का जो अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, ये अंग है, ये कोई भी सुप्रीम ना हो, एक अराजकता वाली स्थिति ना हो, सर्वोच्च ना हो। आगे हम देखते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। देखा जाए तो मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है, इन समुदायों में तालमेल बिठाने के लिए संविधान है वो ज़रूरी है। संविधान है वो जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का एक समूह भी उपलब्ध करवाता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, इस संविधान तय करता है। आगे हम देखते हैं कि संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों और सीमाओं को भी तय करता है, ताकि कोई भी संस्था है वो सुप्रीम ना हो। आगे हम देखते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान है वो ज़रूरी है। अगर हम संविधान की बात करें तो विश्व में संविधान सभा की बात करें तो देखते हैं कि विश्व में संविधान सभा का जो सर्वप्रथम विचार है वो रखने वाले प्रथम व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन थे, जो कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा वो 1786 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया राज्य में बनाई गई थी। उस समय अमेरिका में 13 राज्य हुआ करते थे जिन्होंने मिलकर अपना संविधान लिखा या बनाया। आगे हम देखते हैं, इसके बाद 1789 में फ्रांस में संविधान सभा बनाई गई और आगे जाके प्रथम संविधान है वो 1793 में फ्रांस में लिखा गया। आगे हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन है क्या, तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य और मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु ने फुसलाना था। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के भी सदस्य थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सक्रियता से समर्थन भी किया था। आगे हम देखते हैं कि कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था। आगे हम देखते हैं कि जो संविधान, हमारी जो सभा है, जो भारतीय संविधान सभा है, उसकी स्थापना कैसे होती है, कैसे शुरुआत होती है। तो भारत में संविधान सभा का विचार देने वाले जो व्यक्ति थे वो एम एन रॉय थे, क्योंकि 1895 में भारत तक
जो जहाँ तक भारत का संबंध है, वो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शन है वो हमें 1895 में स्वराज विधेयक में देखने को मिलते हैं, जो कि बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। आगे हम देखते हैं, इसी कड़ी में आगे हम देखते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा पर भाषण दिया था। आगे हम देखते हैं 1924 में संविधान सभा की मांग करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति मोतीलाल नेहरू थे। आगे हम देखते हैं कि 1924 और 1924 में स्वराज दल पहला राजनीतिक दल था इसमें संविधान सभा की मांग दो बार की गई थी 1924 और 1934 में। आगे हम देखते हैं 1936 में कांग्रेस की स्थापना 1885-28 को हुई थी। कांग्रेस ने पहली बार 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन संविधान सभा के अर्थ के महत्व की बात कही। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उस समय जो कांग्रेस के प्रारंभिक कार्यकर्ता थे वो 72 थे। आगे जाके 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पहला व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग स्वयं तैयार करेंगे। आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से शुरुआत कैसे होती है। तो 1942 में हम देखते हैं कि ब्रिटेन की ओर से जो सैद्धांतिक आधार पर संविधान सभा का जो प्रस्ताव है 1942 में क्रिप्स मिशन योजना के माध्यम से भारतीयों के समक्ष रखा गया था, परंतु क्रिप्स प्रस्ताव को सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, इसी कारण संविधान सभा नहीं बन पाई थी। 1945 में इंग्लैंड में एक नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई जो कि भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला और वाइस राय लॉर्ड वेवर ने इसकी पुष्टि की। 1946 में क्रिप्स प्रस्ताव का व्यवहारिक स्वरूप 1946 की कैबिनेट मिशन की योजना के नाम से दिया जाता था तथा इसी के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव करवाए गए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार देखा जाए तो संविधान निर्माण है वो निकायों की कुल सदस्य संख्या जो थी वो 389 थी, 389 निर्धारित की गई थी जिनमें से 292 प्रतिनिधि थे वो ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से थे और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से थे और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियायतों से लिए जाने थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया था जो कि 10 लाख लोगों पर एक स्थान था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। आगे हम देखते हैं कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ, परिणाम स्वरूप जो पाकिस्तान के सदस्य थे वो संविधान सभा के अब सदस्य नहीं रहे और ये सदस्य पाकिस्तान में चले गए और भारतीय संविधान सभा के जो वास्तविक सदस्य थे वो 299 इनकी संख्या रह गई, जो कि आगे यही सदस्य संविधान निर्माण सभा में संविधान का निर्माण कर पाए। आगे हम देखते हैं कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा है। देखते हैं कि संविधान सभा का जो विधिवत उद्घाटन है वो देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को शुरुआत हुई इसकी। आगे हम संविधान सभा के अधिवेशन को जानेंगे कि कितने अधिवेशन में संविधान सभा की अधिवेशन हुए और कैसे संविधान सभा हमारा बना। पहला अधिवेशन अगर हम बात करें तो पहला अधिवेशन है संविधान सभा का वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में 209 सदस्य शामिल थे। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरा अधिवेशन हम देखते हैं कि दूसरा जो अधिवेशन हुआ संविधान सभा का वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ। इसी अधिवेशन के दौरान 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा को स्थायी सदस्य यानी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा की अध्यक्षता करने के लिए तथा संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। ऐसे ही आगे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी जो प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। अगर हम चौथे अधिवेशन की बात करें तो जो चौथा अधिवेशन है संविधान सभा का वो 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चला। इसी अधिवेशन के दौरान 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में देखा जाए तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी तथा 3 परिष्ट थी। इस समय अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर है वो 12 हो गई है।
25 जुलाई 2017 तक 465 अनुच्छेद थे वर्तमान तक, तथा 31 दिसंबर 2017 को ये 465 हो गए थे। अगर बात की जाए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत जो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को है इसे लागू किया गया। देखा जाए तो भारतीय संविधान है वो बन गया था 26 नवंबर 1949 तक, लेकिन इसे जो लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा में 299 से 300 सदस्य थे, इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, तथा अंतिम रूप से पारित संविधान में 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर अपने किए थे। सभा में पेश हर प्रस्ताव और हर शब्द और वहाँ की हर बात को रिकॉर्ड की गई और इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान निर्माण में कुल बैठकों की संख्या कितनी रही, तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, तथा कुल 166 बैठकें हुई। इन संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुआ। आगे हम बात करें भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो टोटल वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की स्थिति की बात करें तो देखा जाए तो संविधान सभा में जो महिलाओं की स्थिति थी वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व एक तरह से नहीं कहा जा सकता। इसमें जो संविधान सभा में कुल 9 महिला सदस्य ही थी, इनमें 3 जो थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी जो कि कई समितियों में रही। इनमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और अन्य राजकुमारी, अमृता कौर बेगम, इजाज रसूल, विजय लक्ष्मी थी। अगर हम संविधान सभा की प्रारूप समिति की बात करें तो देखते हैं कि 19 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष को पेश किया। अगर हम बात करें भारतीय संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को, तो हम देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई संविधान सभा की, जिसमें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे जाके इसमें कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को देखा गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई, जो कि सदस्य संख्या देखें तो 389 थी। 14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान में, तो इसमें कुल बैठकें थी वो 166 बैठकें थी हुई। भारतीय संविधान सभा के गठन में अगर देखा जाए कमियां क्या हैं, तो इसमें कमियों को हम देखते हैं कि प्रभुसत्ता की कमी थी, साथ ही साथ प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, देशी रियायतों को संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया, तथा संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन था वो अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ। अगर बात करें इसमें प्रस्तावना की, तो संविधान निर्मात्री के उद्देश्यों के विचारों का यह सार है। प्रस्तावना को उद्देशिका या प्रेम्बल भी कहा जाता है। इसका आधार उद्देश्य प्रस्ताव को भी माना जाता है। अगर हम प्रस्ताव को देखें तो ये प्रस्ताव की जो परिभाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और इसका व्यवहारिक स्वरूप अमेरिका से लिया गया है। संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना है और प्रस्तावना संविधान का एक दर्पण है। अगर हम प्रस्तावना में न्याय की बात करें तो इसमें प्रस्तावना में 3 प्रकार के प्रमुख न्याय की बात की गई है, जो कि सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जो कि जरूरी है। सामाजिक न्याय में हम देखें तो सामाजिक न्याय को मौलिक स्थानों में स्थान दिया गया है, विशेषकर समता के अधिकार में, समानता के अधिकार में इन्हें देखा जाता है। आर्थिक न्याय की अगर बात की जाए तो आर्थिक न्याय को नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया है। आगे राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय के लिए मतदान का अधिकार तथा चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है। प्रस्तावना है वो संविधान का दर्पण है। प्रस्तावना को गणतंत्र की कुंजी तथा संविधान का सार उद्देश्य दर्शन भी कहा जाता है। ये बात के मुंशी के द्वारा कही गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, जो कि महत्वपूर्ण थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, यानी एकता और अखंडता। अगर इसमें हम देखा जाए कि इसमें में क्या महत्वपूर्ण है, तो देखा जाए तो 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय तिरंगों को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है, उसे दर्जा दिया गया था, तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी स्थान दिया गया था। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को राज्य का भाषा का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने जस्टिस M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान के कामकाज की जाँच के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी।
जो कि यह आयोग गठन किया गया था, जो कि देखना था कि जो भारतीय संविधान में है क्या कमियां हैं, इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, जो शासन व्यवस्था वो उचित प्रकार से चल हो रही है कि नहीं। आगे जाके भारत में शासन व्यवस्था संविधान से चलती है। संविधान में हमारे देश का नाम दो तरह से लिया जाता है, जो कि इंडिया और भारत। अगर हम बात करें संविधान की, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान देखा जाए तो अमेरिका का है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, जो कि ये 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। अगर हम भारतीय संविधान के स्रोत की बात की जाए कि भारत के जो संविधान है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो इसमें देखा जाए तो संविधान का लगभग जो 75% अंश है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रमुखता से इसमें से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से 10 मानव मूल अधिकारों को इसमें शामिल किया गया है, और अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में समाहित की गई हैं। जैसे हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से देखते हैं भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यानी जिस दल को जितनी ज़्यादा सीटें मिलेगी, सबसे ज़्यादा सीटें मिलेगी वही जीत विजयी होगा। साथ ही साथ सरकार का संसदीय स्वरूप कैसा होगा, कानून के शासन का विचार कैसा, और विधायिका में अध्यक्ष का पद तथा उसकी कानून निर्माण की विधि किस प्रकार हो, ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें अमेरिका के संविधान से, तो इसमें मौलिक अधिकारों की सूची, जो कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, साथ ही साथ न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। साथ ही साथ आयरलैंड के हम संविधान से देखें तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि राज्य की नीति निरीक्षक तत्व तो क्या हो। साथ ही साथ फ्रांस के संविधान से देखा जाए तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। अगर हम कनाडा के संविधान से देखें तो एक अर्धसंघात्मक सरकार, यानी एक सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। साथ ही साथ औसिक शक्तियों का सिद्धांत, ऐसी शक्तियाँ जो कि संविधान लागू के होने के समय नहीं, ऐसे चीज़ें जो कि नहीं, विषय जो नहीं थे ध्यान ज्ञात, वो बाद में जाके अगर कोई विषय ज्ञात होते हैं तो उन्हें लिया गया है। आगे हम संविधान की विशेषताएं देखें तो संविधान की विशेषताएं क्या है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्मित लिखित एक संपूर्ण संविधान है। ये एक संपूर्ण प्रवक्ता संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है, और नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ ही मूल कर्तव्यों की भी बात करता है। साथ ही साथ भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था और राज्य के नीति निषेध तत्वों को भी समाहित किया गया है। अगर हम संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान है वो कठोर और लचीलापन यानी दोनों का मिश्रण है। अगर बात करें कि कठोर भी है और लचीला भी है। अगर बात करें संविधान कठोर है तो अनुच्छेद 368 के अनुसार, जो कि संविधान संशोधन के द्वारा कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों को 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों का समर्थन भी आवश्यक है। साथ ही साथ संविधान है वो लचीलापन है, जिसमें भारतीय संविधान इसलिए लचीलापन है क्योंकि इसमें बहुत से संशोधन प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से ही पारित करके संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान की अगर प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का विस्तार देखें तो इसमें जो प्रमुख शब्द हम देखते हैं प्रस्तावना में, उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी। अगर हम न्याय की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसमें प्रदान करता है। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, कर्म और उपासना और भक्ति की स्वतंत्रता हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें समानता तो सभी प्रकार के भेदभाव का अंत या भेदभावों से मुक्ति। बंधुत्व की बात करें तो देश के हर नागरिक के बीच आपसी प्यार और स्नेह के भाव पैदा करना। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता में हमने देखने को मिलता है कि सभी धार्मिक विचारों वाले नागरिकों को धर्म को मानने की आज़ादी। यानी अगर देखा जाए तो भारत है विविधताओं से बड़ा देश है, जहाँ पर अनेकों धर्म रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इन सभी धर्मों को जो अपनी जो धर्म है उन्हें मानने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर हम समाजवादी की बात करें तो सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण, सामाजिक कल्याण के कार्य हो, लोकहितकारी कार्य हो, जो कि समाज हो, इसमें सर्वोपरि हो। देखा जाए तो सरकार का प्रमुख उद्देश्य है वो जनता से मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना, जो कि सरकार है विभिन्न माध्यमों से, जो कि शिक्षा के, स्वास्थ्य, विभिन्न माध्यमों से लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। अगर हम नेपाल में संविधान निर्माण विवाद को देखते हैं तो नेपाल में हम देखते हैं कि 1948 के बाद से नेपाल में 5 बार अब तक संविधान बन चुके हैं, जिसमें 1948, 1951, 1959, 1962, 1990,
इन 2006 के बाद बने संविधान पर विरोध अभी भी जारी है। वर्तमान में जो मधेशी आंदोलन इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकांश जनता संविधान में संशोधन चाहती है। अगर हम बात करें एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान क्या होने चाहिए, किस प्रकार एक संविधान है वो सफल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण अवश्य होना चाहिए। साथ ही साथ बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, समान सुविधाएं उपलब्ध कराना, इसके साथ छोटे सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत करना और समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना, यानी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक है उन सभी के हितों की रक्षा करना। दक्षिण अफ्रीका का संविधान हम देखें तो कब बना, तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो दिसंबर 1996 में बना। ऐसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित वैश्विक समस्याएं हम देखें तो हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण, वर्ग भेदभाव जो कि अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है, आवास समस्या और स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक गरीबी, इसके साथ ही हम ये बंद करते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, सेकंड चैप्टर में देखेंगे कि आगे हम चीज़ों को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।